फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के लिए किसी भगवान से कम साबित नहीं हुए। खास तौर पर उन्होंने लॉकडाउन के समय दिहाड़ी वर्क के लिए जो पुण्य का काम शुरू किया वो आज भी वैसे का वैसे ही जारी है और एक्टर अभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तभी तो हाल ही में उन्होंने खेत में काम रही लड़कियों के पिता को ट्रैक्टर दिया और अब प्रवासियों को रोजगार देने की भी मुहिम चला दी है। वैसे खुशी की बात ये है, सोनू सूद आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं और जन्मदिन के खास मौके पर भी एक्टर ने प्रवासी भाइयों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, प्रवासी मजदूरों के मसीहा बन चुके सोनू सूद ने अब उनके लिए रोजगार का भी प्रबंध कर दिया है। कोरोना संकट में देश भर में लागू हुए लॉकडाउन में इन मजदूरों की मदद करने वाले सोनू सूद को उनके रोजगार की चिंता होने लगी। ऐसे में अब उनकी ये दरियादिली ही कहें कि उन्होंने आज अपने जन्मदिन पर एक खास ऐप की घोषणा कर की है, जिसका नाम भी उन्होंने प्रवासी रोजगार ही रखा है और इसके जरिए करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात उन्होंने कह डाली है। सोनू ने इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ साझा किया और एक ट्वीट के माध्यम से कहा, मेरे जन्मदिन के अवसर पे मेरे प्रवासी भाइयों के लिए प्रवासी राजव.com का 3 लाख नौकरियों के लिए मेरा करार। ये सभी अच्छे वेतन, पीएफ, ईएसआई और अन्य लाभ प्रदान करते हैं। सोनू सूद की ये प्रवासी रोजगार साइट शुरू हो गई है। इस ऐप से लगभग 500 कंपनियां और एनजीओ जुड़े हैं और ये अलग अलग सेक्टर्स में लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। वहीं साइट पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। इस सुविधा के बारे में पहले भी खबर आई थी, जिसकी आज सोनू ने ऑफिशियल तौर पर शुरुआत कर दी है। इस ऐप के लिए पहले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, फिर उनकी एक प्रोफाइल तैयार होगी ताकि उनकी योग्यता का पता रहे। वैसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर पहुंचाने के बाद से सोनू उनके रोजगार को लेकर भी काफी चिंता में थे, जिसके बाद उन्होंने ये फ्री का उपाय निकाला ताकि उन्हें किसी भी सूरत में रोजगार की दिक्कत न हो सके। एक्टर का कहना है, इस ऐप की मदद से लोगों को काम मिलने में काफी आसानी होगी। सोनू सूद के इस नेक काम के लिए लोगों के बीच एक बार फिर खुशियों की लहर है। फैंस उनके ऊपर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, साथ ही जन्मदिन पर उन्हें ढेरों बधाइयां भी दे रहे हैं।